रूम बुक करने के पूरे प्रूफ है। कितनी कितनी लड़कियों के साथ होटलों में इन्होंने किया वो सारे प्रूफ है, सारे वीडियो सारे प्रूफ है मेरे। मेरी माँ का इसने कभी पैसा नहीं दिया, मैं 10 लाख रुपए देकर गई थी, मेरी भाभी ने हाथ जोड़ा, इसकी माँ कोमा में चली गई है, इसकी माँ कोमा में चली गई है, एक मिनट, इसकी माँ कोमा में चली गई है, पैसा दो। ये फोन नहीं करता था बिल्कुल भी, भाभी का फोन नहीं उठाता था, और मेरी माँ कोमा से ऊपर चली गई, और शर्म आनी चाहिए, लानत है इसके, थूकती हूँ इसके मुंह पे। कहता है कि जिसने इसकी माँ मरी वो बिरयानी खा रही है। आप लोगों ने लिया देखा, हमने भी है यार, कौन सी औलाद है, चाहे इंडिया ही बाहर भी, कौन सी औलाद है जिसकी माँ जिस दिन मर जाए वो खाना खाए। आपके सबके सामने सबूत है, उसने क्या बोला, उसकी माँ 3 बजे मरी, वो जा नहीं रही जब तक मीडिया नहीं आएगी। पठान का कुछ न्यूज़ चल रही है, और आपको लगता है कि मैं तब तक, आप लोग मीडिया वाले हो, सच का सच, सच का झूठ का झूठ आप लोग बताते हो, आप लोग कब पहुंचे, जब मैं ऊपर से नीचे आई बॉडी बांध के, मैं मेरी अकेली मेरी फ्रेंड राजश्री और फाल्गुन, आप नहीं थे, राजश्री और मैं मेरा भाई, हम लोग थे, तब मैं जब ऊपर से नीचे आई तब आप लोग नीचे थे ना, क्या ऐसा हुआ था कि जब आप आने के बाद मैं ऊपर गई थी, ऐसा नहीं हुआ था। राकेश सावंत जी एक सवाल है, ये वो साड़ी है जो मैंने 10 बार पहनी, क्या आपको लगता है जिस दिन मेरी माँ मरी थी उस दिन मैं ऐसे हंस रही होगी, सेम साड़ी मैंने 3-3 बार पहनी, तो सेम साड़ी में कहीं खाना राष्ट्रीय के घर पे खाना खाया होगा, वो वीडियो कल दिखा रहा, मतलब मैं लानत है, मैं तो विश्वास निकल गया जब जिसकी माँ मरी सेम साड़ी पहन के उसने खाना खाया। ये एक वीडियो, मैं गाना भी गा रही हूँ और ये दूसरा भी वीडियो, शांति से बैठी, साड़ी सेम है, वही साड़ी में 2-3 बार मैंने पहनी है। देखिए आरोप तो लगते रहेंगे, नहीं मैं आदिल को अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ अब, क्योंकि मैंने डाइवोर्स मैं फाइल कर रही हूँ, उन्होंने इतने घिनौने इल्जाम मेरे पे लगाए कि रितेश और मैं लंदन में एक कमरे में थे, तू तेरे हाथ छुपाने के लिए मेरे पे इल्जाम लगा रहा है, मैं तो लॉयर हूँ, रितेश ने तो सब बता दिया कि मैं तो लंदन गया ही नहीं, रितेश ने तो बता दिया, आपके सामने बोल दिया उसका पासपोर्ट का, और नहीं एक मिनट पहले मुझे कंप्लीट, मैं तो लॉयर थी, मैं तो जब से शादी करी आदिल के साथ रितेश को मिली भी नहीं, मैं तो लॉयर थी, मैंने निकाह किया और मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्दी आपको 25 तारीख को एक गुड न्यूज मिलेगा जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो खुदा ने मुझ पर रहम किया है क्योंकि मैं नमाजी हूँ। राखी कल जो है आदिल ने कहा है कि आप लोग की शादी को वो मानते ही नहीं, यानी आप लोग शादीशुदा है ही नहीं, क्योंकि फाल्गुनी जी ही सेज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑफ पॉलीगैमी बिकॉज ही बिलीव्स दैट शी इज मैरिड टू रितेश व्हिच इज व्हाई अंटिल एंड अनलेस द लास्ट हस्बैंड इज नॉट डेड शी कैन नॉट मैरी अनदर वुमन अ मैन। तो फिर वैसे ही हुआ ना, नहीं नहीं तो फिर वैसे ही हुआ ना, अगर 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 रितेश की शादी पहले हुई है, अगर उसका डाइवोर्स नहीं हुआ, अगर समझो मेरी उसके साथ शादी हुई तो मेरी भी शादी लीगल नहीं हुई। उनकी शादी लीगल है या गलत पॉइंट है, वो फैमिली को जा सकते हैं और उस शादी को गलत पॉइंट बुक कर सकते हैं, और आज भी आज बोला ठीक है, उनका सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, एक बड़े बड़े ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहा हूँ आधिकारिक तौर पर, आज भी आदिल
राखी को अपनी बीवी मानता है और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेटमेंट है और मैं रितेश के बारे में कहना चाहती हूँ। रितेश बहुत अच्छा इंसान है। जब लॉकडाउन में मेरे पास खाना नहीं था, मेरे पास अनाज नहीं था, मेरी माँ को कोरोना हुआ, मेरी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए घर में एक रुपया नहीं, कहाँ से कमाऊँ क्या करूँ। रितेश एक भगवान जैसे मेरी जिंदगी में आए, मेरी माँ का ऑपरेशन 4 बार कराया, करोड़ों रुपए खर्च किए। मैं वहां पे मैं एक ऐप पे जाती थी ताकि मुझे कुछ मिल जाए पैसे, मैं कोरोना के नाम में अनाज भरूं। वो कहां कहां से अनाज मेरे घर में बेचता था, सब्जियां बेचता था कोरोना काल में। तो रितेश मेरी जिंदगी में भगवान की तरह आए, मेरी माँ का इतना सेवा किया, इतना सर्जरी कराया, एंड तक मेरी माँ की जबान। आदिल चिल्ला चिल्ला के दिखा रहा है आप लोगों को और पूरी दुनिया को कि वीडियोस है रितेश की शादी के, फोटोग्राफ से मैरिज सर्टिफिकेट है। आदिल को कोर्ट में जाने दीजिए, हम यहाँ पे उस चीज का कोई जवाब नहीं देंगे। शादी हुई थी नहीं हुई थी, मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, वो कोर्ट में उसका जवाब देंगे। फेक है, जाली है, क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैसूर में आदिल खान दुरानी एक कार्ड 4 बार बेचता है अलग अलग स्टैंप लगा। आपको मैसूर, आप मैसूर चलिए, मेरे साथ चलिए, और उनके घर में जाएंगे जिसको एक दो दो तीन तीन बार बेची है जाली पेपर बना के। बैंक में लोन लेते हैं, कहां से स्टैंप लाते हैं और ये जाली स्टैंप कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको, आप मैसूर आइए, मैसूर के वो अभी 1 साल से यहाँ है, आप मैसूर चलिए, उसके एरिया में चलिए, हमारे जो जितने भी मैसूर में लोग हैं, अब्बास भाई, जाकिर भाई, शैली, राजाराम भाई, मुमताज दीदी, इन सबको आप पूछिए। अब मैं बताती हूँ कि कितना गंदा क्रिमिनल है। हाँ राखी जी, आप सुनाना चाहेंगे, मीडिया झूठी है, संसार झूठा है, आप सच्चे हैं मानते हैं। अभी तक आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो सच बोलता है झूठ नहीं बोलता है, कितनी मैरिज कर चुकी है पवन इतने साल से तो मीडिया में तुम्हें नहीं, मैं कुछ सवाल नहीं, इसका जवाब हम आपको कोर्ट में देंगे। कोर्ट में पूछ लेना, कोर्ट में देंगे, लेकिन सीनियर जनरल को मेरा पर्सनल मामला है। नहीं, फिर आपसे पूछा था कि उन्होंने कांटेक्ट करने की, मेरा पर्सनल मामला है, मैं पर्सनली, आपको अधिकार ही नहीं है ये बोलने का कि मैं कितने मैरिज कर चुकी हूं। आप कोर्ट में आइए, बार बार बोल दिया, आप कोर्ट में आइए, आप कोर्ट में पूछिए, मीडिया के सामने, मीडिया के सामने पवन हम लोग नहीं कर रहे, शुरुआत वहां से हुई है। हुई, मैं यहाँ पे उनके जवाब देने आई हूँ। आप कह रहे हो पर्सनल है, राखी आप कह रहे हो पर्सनल है, फिर मीडिया के सामने क्यों सब नाटक चल रही है? नाटक माइंड योर वर्ड, तुम सीनियर कलीग हो, मैं इज्जत दे रहा हूँ, नाटक वर्ड यूज वापस लो अपना, तुम चलो नाटक वर्ड वापस लो। कल आप लोगों ने वायरल किया है, आप लोगों ने उस पर दाग लगाए हैं। नहीं, हमने नहीं दिखाया, आपने नाटक किया उसके साथ, नाटक यहाँ पर किया, सीनियर जर्नलिस्ट होने के बाद ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। कितनी मैरिज कर चुके हैं क्या पता नहीं है तुम्हें? नहीं पता तो अपने प्रोफेशन की कसम बोलो, तुम्हें नहीं पता पवन जी, क्यों ड्रामा कर रहे हो यार? मैं पूछ रहा हूँ, गलत नहीं है भाई भाई। पवन जी, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ कि आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कितनी कंप्लेंट्स है? आपने एज अ जर्नलिस्ट आपने गलत चीजें की, आपके खिलाफ कितनी कंप्लेंट है? मैं आपके पक्ष बताइए, नहीं आप बताइए, इसका जवाब दीजिए, बाकी के जवाब हम बाद में देंगे। आपके खिलाफ जिंदगी है मेरी, मैं नाटक चाहिए, कंट्रोवर्सी के लिए और पैसे हटने के लिए, उनका ये स्टेटमेंट था राइट? यस यस, मोबाइल। आपने दीपक कलाल के साथ जो भी आपके बैक हिस्ट्री देख मैं पूरा ओपन नहीं करना, उन्होंने ये कहा है कि शादी की है कॉन्ट्रोवर्सी, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, वो कॉन्ट्रोवर्सी और पैसे हटने के लिए। जितनी भी शादी के सर्टिफिकेट्स है
जितने भी शादी के प्रूफ है और जितनों ने राखी से शादी करके जो जो भी पैसे दिए उनके सारों के बैंक स्टेटमेंट प्रूफ लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन कोर्ट में। एक मिनट, ये चीजों का जवाब मैं आपको अभी, मैं एक मिनट राखी बिल्कुल नहीं, 6 महीने आदिल को जेल काट के हो गए, डे वन से पुलिस कस्टडी हुई थी उनकी, उसके बाद हमने उसको चैलेंज करके रिवीजन करके वापस से पुलिस कस्टडी दिलवाई, उनके पास बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। आपको मैं उनकी बेल एप्लीकेशन की कॉपी दूंगी जो उन्होंने अंधेरी कोर्ट में फाइल की थी, कहीं भी एक बार भी नहीं पिछले 6 महीनों में ना उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं ना ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने कल ये कहा कि राखी ने मुझे ड्रग दिया था, क्या ये चीज आपने कोर्ट में कही थी, क्या ये चीज आपने पुलिस स्टेशन में ऑन रिकॉर्ड कही थी? एक इंसान के साथ एक औरत अत्याचार करती है, उसको मारती है, उसको ड्रग देती है, वो बेगुनाह इंसान बेचारा, उसको 19 साल बड़ी उम्र की औरत से शादी करनी पड़ रही है, वो इंसान जेल में गया है, उसको सजा लग रही है, उसको मीडिया में एक्सपोज किया जा रहा है, 6 महीने चुप बैठ गया था, 6 महीने कहीं भी आवाज नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल ली गई थी, क्यों उस दौरान जब वो पुलिस कस्टडी में था, क्यों उस दौरान उसके वकील ने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की, क्यों उस दौरान अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मीडिया की जरूरत है, क्यों पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी लफ्ज राखी के खिलाफ नहीं बोला और पिछले 6 महीने में आदिल ने एक भी एफर्ट नहीं की कि उन्होंने ना पुलिस कंप्लेन की है, ना उन्होंने कोई पेटिशन फाइल की है, ना उन्होंने कोई सूट फाइल किया है। तो आज 6 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि उनको मारना, पीटना, ड्रग्स देना, उनके साथ जो भी अत्याचार हुए, वो बेचारा बेगुनाह इंसान इस औरत के अत्याचारों से इतना त्रस्त था, इतना त्रस्त था कि आज 6 महीने बाद अचानक से उसको ताकत मिल गई। Why not legal remedy available है आपको? अगर आप एक मर्द भी हो और किसी औरत ने आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ जालसाजी की है, तो 6 महीने तक क्यों, अगर जो कल राखी के शादी के सर्टिफिकेट्स और वीडियोस उसने दिखाए, उसने बेल के वक्त क्यों नहीं दिखाए? क्यों कोर्ट में ये नहीं बोला कि मेरे साथ चीटिंग हुई है? क्यों उस वक्त बेल एप्लीकेशन में, क्या उसके हाथ बंधे हुए थे? वो यही कहेगा मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो आज जब वो प्रूफ इकट्ठा कर सकता है, इंसान ज्यादा प्रूफ का भी इकट्ठा करता है जब वो जेल के अंदर होता है, उस वक्त उसने यहां तक भी नहीं बोला अपनी बेल एप्लीकेशन में कि राखी ऑलरेडी शादीशुदा थी, मेरे से झूठ बोल के या मुझे दबाव डाल के मेरे साथ शादी की। क्यों कोर्ट में आपने नहीं बोला? ज्यादा मीडिया के सामने बोलना जरूरी था या ज्यादा आपकी बेल थी, आप जेल के अंदर फंसे हुए थे, वहां से निकलने के वक्त ये सारे ड्रामे, ये सारी चीजें रखनी चाहिए थी, बाहर आने के बाद ये ड्रामे क्यों? अगर आपके पास पेपर है तो आपने मीडिया नहीं बुलानी चाहिए थी, आपने सीधा कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए था। अच्छा एक मिनट, पहली बात, 6 महीना जेल में रहकर आए, क्या दुनिया को इतना नहीं पता कि वो जो 6 महीना जेल में रहे वो राखी सावंत के लिए नहीं रहे? राखी सावंत के लिए नहीं रहे वो, उनकी ईरानी गर्लफ्रेंड ने, उन्होंने वहाँ पे उन पे रेप का केस लगाया है, मेरे लिए नहीं रहे वो, मेरे लिए यहाँ 22 दिन थे जो मुझे मारा था, मुझे टॉर्चर किया था, मैंने क्या देखा था, मेरे ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे, लड़की लड़कों के साथ भी, मैंने ये देखा, मुझे मारने की कोशिश की दुबई में, यहाँ पे मैंने किसी को 3 लाख नहीं दिया। जो ईरानी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, वो ईरानी लड़की अपना नाम ले रही है, उसको बीप कीजिएगा प्लीज, बिकॉज अकॉर्डिंग, मैं किसी लड़की का नाम नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ने, मैं दुनिया को बताना चाहती, सुनो, वो 6 महीने जो तुम लोग मुझे ना सोचते हो मेरे लिए, 6 महीना वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल उसके साथ रही, उसको नहीं पता था, उसने मेरे साथ शादी करी, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को झूठ बोला, मुझे भी झूठ बोला, मुझे कहा वो मेरी फ्रेंड है, उसको कहा राखी के लिए तो मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं स्टार बनना चाहता हूँ,
तुझे भी बिग बॉस में ले जाऊंगा, उसको बहुत पट्टी पढ़ाई, उसका शोषण करता रहा, उस लड़की का शोषण करा जो स्टूडेंट थी। तो मैं किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, काफी टाइम से हम देखते रहे, साथ में काम भी किया है, अभी क्या एक्शन रहेगा आपका, अगला स्टेप क्या रहेगा? मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, जितने तमाम मेरे दोस्त सब जानते हैं। और आप पूछे कि आगे क्या स्टेप रहेगा, तो मेरा कोई स्टेप नहीं रहेगा, मेरा ये स्टेप है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए, जिसने मुझे राखी बांधा है, जिसने मुझे 20 साल से, मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था इंडिया टीवी के जरिए, मेरे को नाम मिला, फेम मिला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो राखी का है, क्योंकि मैं ऑन कोट अनकोट करूंगा कि रजत शर्मा की बहुत, रजत शर्मा जी की जो मेरे बॉस रहे इंडिया टीवी में, उनकी फेवरेट थी राखी, उसको बिग बॉस में ले जाना, उनको दलदल में जाके वीडियो बनाना, ये बहुत फेमस थी उस समय भी जितना आज है। तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा, जैसे रिपोर्टर्स के लिए अपने न्यूज इंपॉर्टेंट होता है, वैसे मेरे लिए राखी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मुझे इससे न्यूज मिलती थी और वो न्यूज करोड़ों लोग देखते थे, और न्यूज फेक नहीं होती थी पवन, जब हम इतना इतना पानी में जाके सेंटा क्रूज में वहां पे न्यूज कवर किया करते, तो ना कि डेंगू चलाया करती थी। आज भी है, मेरा स्टेप पहुंच नहीं है, मेरा एक ही स्टेप है कि राखी सावंत जो मेरी बहन है, उर्फ राखी सावंत उर्फ फातिमा जो मेरी बहन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। प्लीज शांत रहिए, जो मेरे पे इल्जाम लगे मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मैं मां नहीं बन सकती, कहा दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। कौन कौन आदमी, कौन पति अपनी बीवी के लिए इतने कटाक्ष शब्द यूज करेगा कि इसका तो यूट्रस निकल गया है, ये तो मां नहीं बन सकती, मैं चैलेंज करता हूँ। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है? कोई आदमी, कोई बहन, कोई भाई ऐसा साइन करेगा अपनी अपनी बहन के लिए? ऐसा बोल रहे कोई, कौन पिता, कौन पति ऐसा सब साइन करेगा? ये कैसे मेरे लिए शब्द यूज किए ये इसने? मैं इमीडिएटली डॉक्टर वीणा के पास गई, जाके वीडियो बनाया, आपने देखना देखा सबने जी। ये इसने मुझे कहा था कि मैं तुझे मीडिया में जगत में पागल कर दूंगा, तुझे झूठा साबित कर दूंगा, मैं सिंपति लूंगा सबसे, सबको तुम्हारा रिकॉर्ड पता है, 20 साल से तुम यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल हो। मेरे ना माँ बाप है, मेरा ना कोई गॉडफादर है, मैं ठोकरे खा खा के बॉलीवुड में आई हूं, आइटम सॉन्ग बोले, रियलिटी शोज बोलिए, मैं मेहनत करके आई हूं, मैं जहां जाती कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती, कॉन्ट्रोवर्सी चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं कभी चाहती नहीं हूं, लेकिन वो मेरे साथ हो जाती है। उसका इस आदमी ने फायदा उठाया, झूठी शादी मेरे साथ, उसको बॉलीवुड में जाना था, मुझे इतना मार मारा है इस आदमी ने, इतना मार मारा, सलमान से मिला, शाहरुख से मिला, फराह खान को गले पे चढ़ गया था एक दिन छाती पे, इसका कहना है कि फराह खान को नहीं भाई, सलमान से कभी नहीं मिला, पूरा अबू धाबी साक्षी है। लास्ट ईयर आईफा अवार्ड में जब सलमान खान आए थे तो उन्होंने मुझे गले लगाया था, मैंने सलमान जी को आदिल से मिलाया था, आदिल को सलमान ने ऐसा करके हाथ मिला के कैसा है ध्यान रखना ऐसा बोला था भाई ने, पूरे अवाम के सामने उन्होंने बोला, मैंने दूर से देखा है, 50 मीटर की दूरी से देखा था, मिला नहीं, नहीं नहीं मेरा खत्म नहीं हुआ है, सुनो कोई फोटो है आदिल का सलमान के साथ? आईफा से वीडियो ले लो, हाँ उनके वीडियो, उनके पास वीडियो है। अच्छा राखी, अभी सलमान खान से कोई बात हुई? बिकॉज ही इज लाइक योर ब्रदर, आपने बहुत सारी कंसल्टिंग भी आप उनके साथ की है, जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो सलमान खान से नहीं मिले, तो सलमान खान भी अभी इस बात के गवाह तो है ही एक्चुअली, तो आपने इस बात की उनके साथ कोई बात हुई है फोन पर या उनकी टीम के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सलमान? पहली बात तो आप सोचिए, पहली बात तो सोचिए, उसने मेरा मैरिज डिनाई किया था, उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मैं मराठी बिग बॉस से बाहर आई थी, मुझे इतना मेंटली टॉर्चर उसने किया था,
जब मैं मराठी बिग बॉस से बाहर, आप लोगों को सबको पता है ये स्टोरी, मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, आई वॉज कंसीविंग दैट टाइम, और जब मुझे पता चला, मैं माँ के टेंशन में थी, जब मुझे उनकी गर्लफ्रेंडों के बारे में पता चला, अवैध संबंध विद द बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे जब पता चला उस वक्त मैं स्ट्रेस में आ गई एंड मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मेरा मिसकैरेज जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि कोई मिसकैरेज नहीं था। मैं तुरंत उसी टाइम पे मैं डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मेरे साथ ये हुआ है, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा मिसकैरेज हुआ जो किसी को भी चलते चलते भी हो जाता है। मैं डॉक्टर के पास कोई अबॉर्शन कराने नहीं गई थी, वो पाप है, वो गुनाह है, आदिल के टॉर्चर की वजह से मुझे हुआ था। अभी मासूम बन के आया है, वो ईरानी लड़की ने उसको जेल में 6 महीने डाला, उसका नाम नहीं ले रहा है, और किसी ने जो उसके 8 केस है मैसूर में 420 के, 8 कितने केसेस है आपने देखे, मैंने आप लोगों को भेजा है, आप देखिए 8 केसेस है क्रिमिनल केसेस, उन्होंने उनके बारे में नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मुझे टारगेट किया, क्यों उसको पब्लिसिटी, उसको बिग बॉस जाना है, उसके एकता कपूर जी के शो में जाना है, उसे स्टार बनना है। बन जाओ, लेकिन राखी का नाम लेके क्यों यार? मेरा इस्तेमाल, स्टार बनने के लिए मेरा इस्तेमाल किया, शादी तुमने कहा हिंदू से क्रिश्चियन, क्रिश्चियन से मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम की कदर करती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ, नल्ले तेरी तरह नहीं हूँ आदिल, कि तू तो जन्म से मुस्लिम था ना, तू मुझे बता सकता था ना कुरान पे हाथ रख के तू झूठी कसमें खाता था कि मैं तुझे बिजनेस में धोखा नहीं दूंगा, तूने शॉर्ट पहना, तूने सर पे टोपी नहीं रखी, तू मुझे बता सकता था ना कि कुरान पे हाथ ऐसे नहीं रख सकते, अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम दुपट्टा पहनाओ। नहीं, वो सो के उठा था, वो सो के उठा था और आप आए और डायरेक्ट हाथ रखवा दिया उन्होंने, कल सो के उठने के बाद क्या आदमी अपने सेंस में नहीं होता, सो के बाद कुछ खिला दिया था, सो के उठने के बाद क्या अपने सेंसेस में नहीं होता, क्या होता है ना, जब आप कुरान शरीफ जैसी पाक किताब पे हाथ रख रहे हो तो पहले वजू करना पड़ता है, पाक साफ होना पड़ता है, उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो लिबास अच्छे दुरुस्त होने चाहिए, सर पे टोपी होनी चाहिए या हमार होना चाहिए, क्या उसको नहीं मालूम? मैंने उसे साफ साफ कहा, उसने कुरान पे उस वक्त हाथ रखा, वो पूरा होश और हवास में था, मैंने कहा तुम्हारे सारे अफेयर के वीडियोस जो मैं मिस करे जो हुआ ये हर चीज का है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ पुलिस स्टेशन, मैंने फाल्गुनी जब मैं अब मैं जा रही हूँ, तब उसने बोला मुझे एक चांस और दे, मैंने कहा तुम हर वक्त जुड़े बोले, उसने एक बार कुरान की कसम नहीं खाई, उसने हमेशा दो वीडियो तो मैंने ही आपको भेज दिए, उसने हमेशा झूठी कसम खाई और तोड़ी है। अरे तू तो मुसलमान होके तू तो खुद मुसलमान नहीं बना है, कुरान पाक की झूठी कसम खाई है, मैं तेरा पैर पकड़ पकड़ के तुझे कहती थी चल नमाज पढ़, मैं इस्लाम की इज्जत करती हूँ, मैं मुस्लिमों की इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे जिन्होंने कीड़े आदिल जैसे लोगों की वजह से मुस्लिम लोग बदनाम है, ऐसे लोग मेरे पास उसने मुझसे पहली बार उसने मुझे तब उस वक्त कहा था कि मैंने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते, तो उन्होंने बोला नहीं मैं मुसलमान हूँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हमें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, मैंने किया, बट उन्होंने कहा आपने कोर्ट मैरिज भी की है और आपको इस्लाम हाँ किया ना, काफी तो बाद में कराई ना, क्योंकि मुझे इनके इनके इनकी जो यूके की आंटी है वो मानने को तैयार ही नहीं, के लिए तुम हमारी बहू नहीं हो, मुझे बहुत बातें हैं। आदिल का ये भी कहना है जी, आदिल तुमको 8-9 लाख रुपए पर मंथ खर्चे के लिए देता था, सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके सारे जवाब देती हूँ,
आदिल का ये कहना है कि वो पर मंथ आपके ऊपर 7 से 8 लाख रुपए खर्चा करता था, एक डायमंड का नेकलेस दिया उसने आपको दुबई मॉल में बहुत से ₹1,00,000 का ड्रेस दिलाया। आदिल ने आपको कॉल सेंटर खुशी प्राडा साइलेंस मोब्लान इन सब में शॉपिंग कराई लाखों रुपए की। मेरे घर में आप अभी आइए। देखिए वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें, जब वो कोर्ट पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूंगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप लोग केरले हैं, मंत्र चल रहे हैं, सुनने भी नहीं आएगा। अभी पूछो। हाँ पूछो रितेश। देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है। तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का। हाँ, आर्य समाज मंदिर। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये उसने जो वीडियो दिखाया है ये दिखाया तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा लाइक हम लोगों का एक ब्राइडल सूट था जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले, तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि लाइक ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए और बिग बॉस हाउस में पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया, उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया है और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्विक करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था, मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल हैव यू फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं राखी लाइक मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कभी भी मुझे मीडिया और ये मैं बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब कोई भी बंदा उनके आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफकोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं ओपन अटैक कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है, शी इज अ फ्रेंड और शी इज अ लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ। ओके, इसीलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैम्पिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था एंड उसमें उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में, एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ, एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाइट किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है, कल क्या हुआ यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ, ये एग्जिट वहाँ का है, ठीक है। कुछ लोग मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, कुछ लोग ने कॉमेंट्स किया है, लोग
पासपोर्ट इसलिए मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया तो दूसरा एज पर लॉ है राइट ये दूसरा पासपोर्ट है ठीक है तो इट डजंट मीन कि कुछ वीजा इसमें है कुछ वीजा इसमें है इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ लंदन नहीं गए रितेश एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आदिल दुरानी ने कल आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ उस होटल के कमरे में गए तो कितने सच्चा क्या आप लंदन गए थे क्या उस वक्त आप लंदन में थे एंड ऑल्सो हर महीने रितेश कुछ अमाउंट है जो राखी को उसको पता नहीं है शायद ज्यादा वो दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर कि भाई ये तो स्टैम्पिंग इन करते हो ना तो उसमें और ईयू में इन कर रहे हो आउट कर रहे हो उसका स्टैम्पिंग इनकम में I think वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है ऑडियो में बात करते हैं ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको वीडियो बहुत हाँ बोलिए सारी चीजें आपको भेज दूंगा बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क सारी चीजें भेज दूंगा एक चीज मुझे और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ कब आउट किया हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे क्या हम लंदन में मिले थे क्या हम एक कमरे में गए थे तो उसके लिए इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना उससे आप लोग मीडिया के लोग आप पूछो वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे उसका कहना है रितेश उसका कहना है रितेश जस्ट सेकंड उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 007 से आगे निकल गया 008 हो गया उसका कहना है कि वो होटल की लॉबी के उसके पास पिक्चर्स हैं वीडियोस हैं जो MI7 में दिखता है ना वो सैटेलाइट कनेक्शन लेके उसको ले लिया यूके गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट दे दिया बेटा वीडियो फुटेज चाहिए ले जा क्या वीडियो फुटेज है रितेश सवाल ये है कि कल आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आपने जब आदिल और राखी की शादी होने वाली होती है उसके पहले आप आदिल को कॉल कर उन्हें समझाते हैं कि वो राखी से शादी ना करे क्योंकि राखी ने आपके भी काफी सारे पैसे लूटे हैं तो क्या आपने कॉल किया था क्या आपने उन्हें वार्न किया था ये बात सच है या नहीं ये बातें सही है मैंने उसको कॉल किया था उसने कॉल किया था एक्चुअली मैंने राखी को कॉल किया था और राखी से उसने कॉल पिक कर लिया था वो बातें पूरी नहीं बताया मैं राखी से बात कर रहा था राखी बोल रही थी कि हाँ मेरा ये डिसीजन है जो भी है हमारी हमारा फर्स्ट ये हुआ था कि हाँ राखी और मैं ब्रेकअप कर रहे हैं तो जब राखी से मैंने पूछा ऐसा क्यों तो ये बंदा फोन लेके ये करने लगा ये बंदा स्मार्ट नीच किस्म का इंसान है मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ मेरा कोई इससे कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं बट ही इज रियली नीच उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता मैं ओपनली बोल रहा हूँ और आदिल खान दुरानी अब तेरी लड़ाई रितेश राज सिंह से है अब तेरी लड़ाई मैं बहुत सहा तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ठीक है मैं बहुत सहा लेकिन आज तेरी सारी औकात में बता दूंगा कौन है क्या है ये बंदा देखो बहुत स्मार्टली इसने राखी को फंसाया पहला उसके बाद इसने राखी को अलग किया उस दिन भी ये देखो राखी रो रही थी जब हमारा राखी ने मुझे फाइनल डिसीजन दिया कि हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं मैंने पूछा कि क्यों राखी उसने बताया कि राखी ने बताया कि नहीं तुम मुझे ये प्यार नहीं मिला वो प्यार नहीं मिला जो भी राखी ने बोला ये बंदा उसमें इतना स्मार्टली वो तुरंत फोन ले लिया और ये जो आंसर
कि हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं, और राखी आई वॉन्ट यू टू एडमिट दिस थिंग्स। आई डिड इट। मैंने बोला, रूम वाला बोला जो रूम में क्या हुआ था, मैंने बताया है। ठीक है, पहले पहले ओके। सो उसके बाद राखी बोल रही थी कि ठीक है, लाइक चलो, मैंने बोला ठीक है, जहाँ भी रहो खुश रहो, आई मीन आई नो, लाइक तब ये बंदा लेके कहा कि हमने सब कुछ कर लिया है, हमने शादी कर लिया है, कोई नहीं आ, तुम उसको टॉर्चर करते थे, ये करते थे। मैं बोला कि ठीक है राखी, की ईश्वर जानता है सब चीज, कौन टॉर्चर किसको करता था, एनीवे लाइक मैं इस पे नहीं जानना चाहता हूँ। शॉर्ट कट में बताओ, तुम्हारी मेरी शादी हुई या नहीं हुई, शॉर्ट कट में बताओ। कभी भी आपकी शादी राखी के साथ, राखी वेट प्लीज लेट मी एक्सप्लेन दैट। ओके ओके सुन लो, ओके प्लीज। तो उसके बाद इसने सारी चीजें लाइक, और उसने बाद इसने पर्सनली ये बोला कि ये मेरी वाइफ है, हम लोग शादी कर चुके हैं, तुम बीच में मत आओ, तुमको तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहिए, ये बंदा इंटेंशनली बोला उसने। और धमकी भी दी कि तुम बोलो आता हूँ मैं बिहार, तुमसे बात करता हूँ, तुम कहाँ हो, ये सारी चीजें इसने बोला। रितेश रितेश, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू ब्रो ब्रो ब्रो, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक वर्ड कि अगर कल जरूरत पड़ती है कोर्ट में आके ये वर्ड बोलने की, तो आके आप तैयार हो इंडिया आके कोर्ट में बोलने के लिए? तब तक रितेश एक सवाल का जवाब दीजिए जो सब सुनना चाहते हैं। क्या राखी के साथ तुमने शादी किया था कभी भी? राखी के साथ कभी भी शादी किया था आपकी? कभी भी राखी से, राखी से शादी, राखी सावन से शादी हुई है आपकी? आदिल खान दुरानी है जो मेरे हस्बैंड है। रितेश बहुत कट रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है।
वो जो तस्वीर और अच्छा रितेश दो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला कि जो फोटोज उसने कल दिखाया वो फोटो क्या असली है, और दूसरा क्या आप राखी को किसी भी तरह की माली मदद करते थे, यानी कि कोई भी तरह का पैसा राखी को देते थे आप लोग अलग होने के बाद? नहीं, मेरा ऐसे राखी जैसे हम लोग अलग होने के बाद ना ही मेरा राखी से कोई कांटेक्ट रहा है और ना ही मैं कभी रितेश को मिली। मैं ऑलरेडी मेरा ब्रेकअप होने के बाद फॉर श्योर लाइक इंसान और दुखी रहता है, तो मैं टोटली अपना फोकस कर रहा था अपने काम पे और मैं राखी से कभी कांटेक्ट में नहीं रहा, बस कांटेक्ट वही हुआ। आप देखो इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस चैट दिखाया जो कि मार्च में है, उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट चैट है वो राखी ने मुझे लाइक वो चैट किया है वो समवेयर इन अक्टूबर और समथिंग, जब वो राखी ट्रैवल की थी जब बताई कि मैं लंदन में हूँ, और मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। और वो जो फोटोग्राफ कल उसने दिखाया, वो जो फोटोग्राफ कल उसने मीडिया के सामने रखा हुआ क्या? वीडियो भी। और वो वीडियो किस ब्रांड के लिए शूट हुआ था? वो कहा वो सारा सवाल का जवाब यहाँ नहीं कोर्ट में देने। चलिए ठीक है, अब ये सब आगे के सवाल जवाब नितेश भाई कोर्ट के लिए रखते हैं। आई थिंक दे हैव गॉट द आंसर, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं, आपको हम रितेश का नंबर देते हैं, आप लोग वन ऑन वन रितेश से बात कर लो। और जो जो राखी ने जख्म में फोटो दिखाया वो और जो उन्होंने आपको मारे वो दिखने को नहीं आया। रितेश मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले